الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعين الكرام हम ब्लड प्रेशर की वजूहात कॉजेस पे गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ी अहम तरीन जो उसकी वजूहात थी उनको हमने डिस्कस किया पिछली वीडियो में, और साथ ही उससे बचाव का तरीका भी उसी के साथ आपके सामने रखा गया। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उस वीडियो में रह गईं, वो अब डिस्कस करेंगे, और साथ ही सिम्टम्स अलामात क्या हैं, कैसे पता चले कि ब्लड प्रेशर हो रहा है बंदे को। तो हम ओबेसिटी को, ऐसे ही इनएक्टिव लाइफस्टाइल को डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसे ही स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी कॉज बनते हैं। तो इसके साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड की डिजीजेस जो हैं ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, हार्ट बीट के इशू भी आते हैं इससे। इसके बाद किडनी डिजीज है, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो राइज कर सकता है, बढ़ सकता है। ऐसे ही कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक इश्यूज हैं, फैमिलियर इश्यूज हैं, उनके भी ब्लड प्रेशर राइज करता है। बाज दफा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की कॉज बजाहिर नोन नहीं होती, वो इंटरनल स्ट्रेस भी हो सकता है, एक्सटर्नल स्ट्रेस भी हो सकता है। तो अलामात में जो सबसे अहम चीज है वो है हेडेक, सीवियर किस्म का हेडेक, शदीद सरदर्द। उसके बाद आपको ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दुश्वारी, चेस्ट पेन, सीने में जकड़न और बोझ का फील होना, ये ब्लड प्रेशर की अलामत हो सकता है। गो किसकी और वजूहत भी हो सकती हैं, वो तो डेफिनेटली फिजिशियन ही डायग्नोस, डिफरेंशियल डायग्नोस करता है, मगर ये कॉमन काज ये भी है। इसके बाद नोज ब्लीडिंग, नाक से खून का आना भी अलामत है ब्लड प्रेशर की। इसके बाद बाज दफा धड़कन जो है वो आपको फील होती है चेस्ट में भी, नेक में भी, और कानों के अंदर भी कुछ आपको धड़कन सुनाई देने लगी है हार्ट तरह की, और बाज दफा कान आपके जो हैं वो सुर्ख हो जाते हैं। ये सबको नहीं होता, मगर बाज लोगों को पता चलता है फौरन के कान और आईज थोड़ी जो है वो पफी हो रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे ही ब्लड इंजूरन, पेशाब के अंदर खून का आना भी ब्लड प्रेशर की एक अलामत है, ये उसके सिम्टम्स में आता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं, मगर वो बहुत रेयर सी होती हैं, मगर बाज दफा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है और बजाहिर सिम्टम साइंस नहीं आ रहे होते, मगर ब्रीथलेसनेस जो है ऐसे ही हेडेक हो गई आपकी, हेडेक हमने डिस्कस कर लिया, नोज ब्लीड डिस्कस कर लिया, ऐसे ही चेस्ट कंजेशन हमने डिस्कस कर ली, सांस लेने में दुश्वारी होना, सीने में दर्द का होना, और ऐसे ही आपको धड़कन का महसूस होना, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, गर्दन में, सीने में, कानों तक आपको वो आवाज धड़कन आने लगती है। इस सूरत हाल से उसको आइडिया हो जाता है, मगर फिर भी कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी जो है वो तो यही है कि आप बीपी अपरेटस से उसको चेक करें, ताकि आपको आइडिया हो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कितना हो रहा है। तो मैंने पिछले फर्स्ट वीडियो में उसकी स्टेजेस भी बता दिए हैं कि फर्स्ट मतलब माइनर क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, और उसकी थर्ड स्टेज जो इंतहाई अलार्मिंग है वो कौन सी है। अब हम आएंगे इस तरफ कि हम इसका इलाज घर में बड़ी आसानी से कैसे कर सकते हैं, कि आप प्री हाइपरटेंशन, मतलब यूं कह लीजिए 130 से 40 और 80 से 90 के दरमियान, मतलब 80 यूं कह लीजिए 85 से ऊपर जा रहा है, 90 को टच कर रहा है, और उधर से भी 138, 140, 137 से 140 ब्लड प्रेशर जब होता है, तो ये अलार्मिंग है, ये आप प्री
हाइपरटेंशन की तरफ, मतलब बॉर्डर लाइन की तरफ जा रहे होते हैं, तो तब से ही ख्याल किया जाए और बड़ा ही सिंपल सा घरेलू बड़े आसान तरीके से तैयार हो जाने वाला नुस्खा जो इंतहाई जमी किस्म के बहुत ज्यादा फायदे अपने अंदर रखता है, मैं अपने अक्सर पेशेंट्स को बताता हूँ और बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं उसके। अर्ली मॉर्निंग सुबह जो है जिंजर टी, खासतौर पर जो स्टोमिक और अल्सर के पेशेंट हैं वो जिंजर यूज करें, वरना मैं जिन लोगों को कोलेस्ट्रोल स्पेशली ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है उनके लिए छोटा सा आधी इंच का टुकड़ा जो है, बल्कि एक इंच का टुकड़ा भी कह देता हूं, जिनका ट्राइग्लिसराइड ये फ्री फैट है बॉडी में जो बहुत ज्यादा होती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होता है, मगर वो अल्सर वगैरह के पेशेंट नहीं होते, जो कि दालचीनी ये अक्सर लोग वीडियो सुनते हैं उसके, बस वो सुना अब वो खुद चुके फिजिशियन तो नहीं होते, मेथी दाना सुन लिया, मेथी दाना खाना शुरू कर दिया, उसकी तरकीब का और मिजाज का और इंसान की पेशेंट की कैफियत का पता नहीं होता। तो अक्सर लोग जिन्होंने मेथी दाना खाया, मेरे पास ऐसे पेशेंट आए कि उनको अल्सर का इश्यू स्टार्ट हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग पड़ा। तो ऐसे ही दालचीनी भी अगर वैसे यूज करेंगे या इसमें यूज करेंगे तो वक्ती तौर पर अगर वो गर्म गर्म पी लेंगे तो कुछ घंटों के लिए बीपी आपका शूट भी करवा सकती है, गो के बाद में आपको प्रॉपर यूरिन आएगा तो कोलेस्ट्रोल बाकी चीजों पे दालचीनी बड़ा अच्छा काम करती है। ऐसे ही अल्सर वाले बंदों को भी अल्सरेशन जो है, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर या फिर गैस्ट्राइटिस या यू कह लीजिए सिंपल किसी भी तरह का अल्सर उसको हो रहा है स्टोमिक में, तो उसे दालचीनी जो है वो तंग कर सकती है। अदरक बहुत मुफीद साबित होती है, तो मैं अदरक आधी इंच का एक टुकड़ा प्रॉपर साफ धुला हुआ एक कप पानी के अंदर उसको पका लें, उसकी उसको उसकी टी तैयार हो जाएगी। उसको नीचे उतार के अब ढांप के रख दें, जब वो बिल्कुल लाइट ल्यूक वार्म मीन वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, गर्म न रहे, तो उसके अंदर अब सर्दी आ गई, थोड़ा सा हल्का सा गर्म रह भी जाए तो खैर है, तो उसमें एक चमचा बेजल सीड्स, जिसे हम तुख में बालंगू तुख मलंगा भी कहते हैं, लोग अक्सर शरबतों में गर्मी में पीते हैं, उसमें वो डालें। डालने के बाद जस्ट 1 or 2 मिनट, 1 से 2 मिनट इंतजार करें, लंबी देर नहीं रखना कि वो भगोए और वो फूल जाए, ऐसा कुछ नहीं, बस उसके अंदर डाला, 1 से 2 मिनट वेट किए, वो हल्का सा स्वेल कर हल्का सा मोटा होने लगेगा, बहुत हल्का सा फूलता हुआ फील हो रहा होगा थोड़ा सा, मगर ज्यादा फूलेगा नहीं। तो उसको उठा के सुबह निहार एक कप जो है वो पी लें, एक तो ये बात हो गई सुबह निहार इसको, और असर के बाद मैं रिकमेंड किया करता हूं साथ ही दूसरी टी, जिसमें आपने आधी चमची सौंफ, बड़ी आधी चमची और छोटी आधी चमची अनारदाने की, और उसके साथ में कोरिएंडर खुश्क धनिया जो है वो 1/3 स्पून और 1 पिंच जीरे की कहा करता हूं, इसको एक बड़े मग के अंदर बॉईल करें, इसकी टी बना लें, ठंडा करके पुन छान लें। तो इसमें अगर आप डायबिटिक नहीं है तो शहद डाल के इसको ढांप के रख दें, जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, हल्का सा गर्म रह जाए, तो इसको पिए, फिर कुछ ही दिनों बाद देखें आप कि आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे आने लग जाएगा, आपके कोलेस्ट्रोल भी ठीक होने लगेंगे और आपको ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिलने लगेगा इंशाअल्लाह ताला। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।